मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के टिकने के बाद पाकिस्तानी सोच रहे थे, पाकिस्तानी फैंस, की अब बस अच्छा स्कोर अच्छा टारगेट देंगे, इस बार तो जीत पक्की है। लेकिन अफसोस हो न सका, क्योंकि भारत में इतने दुआओं का दौर चलता है और पाकिस्तान इंडिया का मैच जीतने के लिए जगह जगह प्रार्थनाएं होती हैं भारत के कोने कोने में। और क्यों ना हो दोस्तों, क्योंकि हमारे जो विपरीत पाकिस्तानी टीम जो है, और दोस्तों इस मैच को देखने के लिए पूरी टीम इंडिया की, जो सबसे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम दोस्तों, वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जहां गृह मंत्री भी आए हुए थे इस मैच को देखने के लिए, हर एक शॉट पे ताली बजा रहे थे, पाकिस्तानी उधर पस्त हो रहे थे और इधर पूरी जनता तालियां पीट रही थी, पूरे मैदान में 1 लाख से ऊपर जनता थी दोस्तों। ऐसा मैच कई सालों बाद देखने को मिलता है, हर रोज नहीं मिलता है। आशा करता हूं कि आप लोग भी टीवी और मोबाइल से चिपक कर देखे होंगे इस मैच को, और मैच चालू होने से 3-4 दिनों से पहले से ही इंतजार होता है। और इस मैच में दोस्तों इंडिया पाकिस्तान के साथ साथ तीसरे चौथे देश भी देखते हैं इस मैच को दोस्तों, क्योंकि दो टीम नहीं भिड़ती है दोस्तों, दो कट्टर दुश्मन भी भिड़ते हैं, पड़ोसी भिड़ते हैं। तो आप लोग जो दोस्तों देख सकते हैं इस मैच में, सबसे बड़ी बात यह लगी कि दोस्तों पूरी टीम, विराट कोहली हो रोहित शर्मा हो, आपस में बातचीत करके खूब एकजुटता के साथ ये मैच खेला, और देखिए नतीजा क्या हुआ, पाकिस्तान की टीम धराशाही हो गई दोस्तों। तो चेहरे पे मुस्कान इसलिए है कि इंडिया जीत गई दोस्तों, और जो भी क्रिकेट प्रेमी है और देश प्रेमी है वो हंसते रहेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।